गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। हालांकि डायरेक्ट मैं चैप्टर पर नहीं आऊँगा, पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं ना आप, तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद आपके चैप्टर पे आएंगे। पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको कुछ विशेष चीज़ें बताई थी और इस वीडियो में भी हम कुछ विशेष चीज़ें जानना चाहते हैं ताकि लेसन पढ़ते समय इतना आसान हो जाए कि शायद सारी चीज़ें आपको ऐसे ही समझ में आ जाए। हो सकता है ज़्यादा आपको समझाने की भी आवश्यकता नहीं रहे, तो आइए शुरू करते हैं। और पिछला होमवर्क भी आपने कर लिया होगा अपनी कॉपी में। होमवर्क जो है वो आप अपने पेरेंट्स को दिखाइएगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो ये संभव नहीं हो सकता है हम आपकी कॉपी देख सकें, तो आप अपने पेरेंट्स को एक बार बता दीजिए, क्योंकि साथ में मैंने आपको PDF भी भेजी है। और बहुत ही आराम से होमवर्क करना है, अच्छी राइटिंग में जमा जमा करके, मोती जैसे अक्षर होने चाहिए। बहुत ही कम वर्क मिलता है अब तो, मुश्किल से आपको घंटे भर पढ़ना होता है पूरे दिन में, तो उस घंटे भर पढ़ने में बहुत अच्छी राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में आप अपनी कॉपी में लिखिए, बहुत मजा आएगा आपको भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पुल्लिंग शब्दाः, पुल्लिंग शब्द। देखिए, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि लिंग कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ, मैंने आपको बताया था कि 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब हमारे इस लेसन के अंदर कुछ शब्द आए हुए हैं और वो शब्द जो हैं, उन शब्दों की हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। देखो, पहली बात तो आपको इन शब्दों का अर्थ भी याद करना होगा। अर्थ याद इसलिए करना है क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, संस्कृत में उसे क्या कहते हैं, तो संस्कृत शब्दों की जानकारी होगी पहली बात। दूसरी बात, हिंदी में अगर हमें बोलना है कि छात्र कहना है, एक छात्र, तो हम कह देते हैं एक छात्र है, दो कहना है तो दो छात्र कह देते हैं। लेकिन संस्कृत में एक दो अगर नहीं बोले फिर भी हमें पता चल जाता है कि ये एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, अथवा तो दो तीन से, तीन या तीन से ज़्यादा व्यक्ति है। ऐसा हमें पता करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें, मैंने आपके लिए लेसन के जो शब्दार्थ हैं, कुछ शब्द हैं लेसन से रिलेटेड, उन सारे शब्दों को मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये पूरी फाइल आपके लिए ही बनाई हुई है, ये PDF, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको ये होमवर्क के रूप में, PDF के रूप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप इसको देख करके अपनी नोटबुक में भी उतारना होगा। नोटबुक में केवल नहीं उतारना है, आपको सीधे अपने मन में भी उतारना है, अपने मस्तिष्क में भी उतारना है। तो आइए शुरू करते हैं। पुल्लिंग शब्दाः, पुल्लिंग शब्द। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि हमारे जो फर्स्ट चैप्टर हैं ये पूरा पुल्लिंग शब्दों से आधारित ही है, पुल्लिंग शब्दों पर आधारित है, पुल्लिंग शब्द ही हैं इसमें सारे। तो हम यहाँ बात करेंगे सारे पुल्लिंग शब्दों की, ठीक है। और पुल्लिंग में भी कैसे, अकारांत शब्दों की। कैसे शब्दों की, अकारांत। अकारांत का मतलब क्या होता है, देखिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि अकारांत का मतलब जो है वो क्या है। इसमें दो शब्द है, अकार प्लस अंत। दो शब्द कौन कौन से हैं, अकार प्लस अंत। देखिए, अकार और अंत, इन दो शब्दों से मिलकर के बनता है अकारांत शब्द। अकार का मतलब होता है अ, अकार का मतलब क्या होता है, अ, अ जिसके अंत में है, अ जिसके अंत में है, ऐसे शब्द। तो हम यहाँ जो बात करने वाले वो सारे ऐसे ही शब्द हैं जिसके अंत में अ होगा। आप कहेंगे सर अभी हमें 5 शब्द दिख रहे हैं, इसमें से कोई भी अ अंत वाला नहीं है। कैसे नहीं है अ अंत वाला, सारे अ अंत वाले ही हैं। कैसे, ये देखिए, ये सारे शब्द हैं ये अ अंत वाले ही है। कैसे अ अंत वाले, छात्र, आप कहोगे सर इस पर तो त्र है, शिक्षक, आप कहोगे सर इस पर तो क है, मयूर इसमें तो र है, शुक इसमें फिर से क है, बालक इसमें फिर से क है। तो ये सर कैसे हुए अकार अंत वाले, अर्थात अ अंत वाले। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि वैसे ये चैप्टर पढ़ने के बाद या एक दो चैप्टर पढ़ने के बाद मैं आपको एक बार वर्णमाला बताऊंगा, वर्णमाला समझाऊंगा। और वैसे वर्णमाला जो है वो मैंने लॉकडाउन के दौरान, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर भी वर्णमाला पूरी बता दी थी, अगर वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, नहीं तो बाद में हम एक बार फिर से यहाँ भी इस YouTube चैनल पर भी हम देख लेंगे। तो देखिए क्या है, क, ये जो क है, इस ये क तो क्या है, व्यंजन है।
व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं। अधूरे का मतलब व्यंजन कभी भी पूरा नहीं होता। व्यंजन जो है शुद्ध व्यंजन ये है क। इसमें यदि हम कोई भी स्वर नहीं जोड़ेंगे जब तक, तब तक इसमें इसे हम बोल भी नहीं सकते इस क को। तो इसको बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई ना कोई स्वर जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें बोलने के लिए इसमें अ जुड़ा हुआ है तो ये क्या बन गया, क। अब देखो ये ऐसे बना है तो क प्लस अ, अंत में क्या है अ, तो ये हो गया कैसा हो गया अकारांत। त्र है तो त्र कैसे बनता है, त प्लस र, देखो त हलन प्लस र हलन और अ, अ हमेशा पूरा होता है। ऐसे ही र की बात करें तो र प्लस अ, ऐसे मिलकर के ये बनाए। तो देखो सबके अंत में अ आया या नहीं आया, यहाँ भी अ, यहाँ भी अ और यहाँ भी अ, सबके अंत में अ आया है। तो ये सारे शब्द कैसे हैं, अकारांत शब्द हैं, अकारांत। और अकारांत के बाद भी कैसे, पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द। तो देखिए पुल्लिंग शब्द, कुछ शब्दों की जानकारी पहले पाँच पाँच शब्दों के ग्रुप में पढ़ेंगे हम इनको। तो सबसे पहले पाँच शब्द हैं हमारे सामने, छात्र शब्द। छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट। और पुल्लिंग श्रेणी नपुंसक लिंग के हिसाब से अगर हम देखें इनको पुल्लिंग शब्दों को, तो देखो ये तो है एक वचन वाली लाइन। ये कैसी है, एक वचन। ये वाली जो लाइन है ये है द्विवचन की, और ये जो है ये है बहुवचन। देखो ये तो है एक वचन, ये द्विवचन और ये है बहुवचन। एक वचन का मतलब अगर हमें संस्कृत में कहना है एक विद्यार्थी तो क्या कहेंगे, छात्र, क्या कहेंगे, छात्र। अगर दो छात्रों को बुलाना है, दो छात्र कहना है तो छात्रों, क्या कहेंगे, छात्रों। छात्र एक, छात्रों दो, और तीन या तीन से ज़्यादा कितने भी विद्यार्थी हो उनको बुलाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, छात्राहा। किसका प्रयोग करेंगे, छात्राहा। देखिए फिर से, छात्र अर्थात विद्यार्थी, और संस्कृत में इनको बुलाना है तो छात्र एक छात्र के लिए, छात्रों दो छात्रों के लिए, छात्राहा तीन या तीन से ज़्यादा कितने भी, जिसकी हम संख्या निश्चित नहीं कर सकते, असंख्यतम। वैसे ही शिक्षक, अब देखो एक लाइन आपको याद करनी है, केवल और केवल आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको ये वाली एक लाइन याद करनी है। एक लाइन याद होते ही आपको पूरा पेज याद हो जाएगा। लगभग इसमें 30-31 शब्द हैं और वो सारे के सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। आपको करना क्या है, केवल ये एक लाइन याद करनी है। तो पहले इसको याद कर ले, छात्र छात्रौ छात्राहा, छात्र छात्रौ छात्राहा। आप भी मेरे साथ बोलिएगा, पांच बार इसको बोलना है। पहली बार, छात्र छात्रौ छात्राहा, छात्र छात्रौ छात्राहा, छात्र छात्रौ छात्राहा, छात्र छात्रौ छात्राहा, छात्र छात्रौ छात्राहा। याद हो गया होगा आपको, अगर याद हो गया है तो दो मिनट वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में इसको लिखिए, बिना देखिए, बिना देखे आप लिखिए। बस एक लाइन याद हो गई मतलब समझो आपको पूरा का पूरा पेज याद हो गया, छात्र छात्रौ छात्राहा लिख लिया होगा आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षक शब्द। शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक का मतलब होता है अध्यापक, टीचर। शिक्षक शिक्षकौ शिक्षकाः, ठीक छात्र की तरह ही है, छात्र छात्रौ छात्राः वैसे ही है, शिक्षक शिक्षकौ शिक्षकाः। छात्र छात्र अर्थात विद्यार्थी, शिक्षक यानी अध्यापक। मयूर, मयूर का मतलब होता है मोर, मोर को क्या कहते हैं, मयूर। मयूर मयूरौ मयूरः, एक मयूर कहना है, एक मोर कहना है तो मयूर, दो मोर हैं तो मयूरौ, और तीन या तीन से ज़्यादा कितने भी तो उन सबको क्या कहेंगे, मयूराहा, मयूरः। उसके बाद एक और पक्षी है शुक, तोता, पैरोट। तो पैरोट जो है उसके लिए शुकः शुकौ शुकाः, शुकः शुकौ शुकाः। फिर बालक, बालक का मतलब लड़का, बालकः बालकौ बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः। फिर हाथी, हाथी को क्या कहते हैं संस्कृत में, गज। हाथी को क्या कहते हैं, गज। गजः गजौ गजाः, गजः गजौ गजाः। एक हाथी गजः, दो हाथी गजौ, और तीन या तीन से ज़्यादा हाथी गजाः। मगरमच्छ, पानी में देखा ही होगा आपने। मकर, क्या कहते हैं, मकर। मकरः, एक एक मगरमच्छ मकरः, दो मगरमच्छ मकरौ, और तीन या तीन से ज़्यादा मगरमच्छ मकराः।
बिलाव, बिलाव यानी बिल्ली होती है, बिल्ली जो होती है वो फीमेल होती है और मेल उसको कहते हैं बिलाव। जैसे मारवाड़ी में हम कहते हैं ना बिल्ली को बोलते हैं मीनकी, और उसी को अगर उसका मेल है तो उसको मारवाड़ी में कहते हैं मीनको, बस वो मीनको उसको ही कहते हैं बिलाव। बिलाव, बिलाव को संस्कृत में क्या कहते हैं? बिडाल। क्या कहते हैं? बिडाल। तो इसके पुल एक वचन द्विवचन बहुवचन कैसे होंगे? बिडाल बिडाल बिडाला, बिडाल बिडाल बिडाला। उसके बाद चालक, चालक यानी होता है चलाने वाला, ड्राइवर, गाड़ी को चलाने वाला, ठीक है। तो चालक को क्या कहते हैं हम? चालक चालक चालकाहा, चालक चालक चालकाहा। देखो साथ साथ में इनको लिखने के साथ में आपको याद भी करना है और बहुत मजा आएगा। देखो बहुत सिंपल शब्द हैं, छात्र स्टूडेंट, शिक्षक अध्यापक, मयूर मोर, शुक यानी तोता, बालक यानी गज लड़का, गज यानी हाथी, मकर यानी मगरमच्छ, बिड़ाल यानी बिलाव, मूषक यानी चूहा, मूषक मूषक यानी चूहा, गणेश जी का वाहन। क्या बोलेंगे इसको? बिडाल बिडाल बिडालहा। और चालक को कहते हैं चलाने वाला। जैसे अभी आपको ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी होगी, उसको चलाने वाला क्या कहलाएगा? चालक। संस्कृत में क्या कहेंगे? अगर एक चालक है ट्रेन में, एक ही चालक है, एक ही चलाने वाला ड्राइवर है, तो क्या कहेंगे? चालक। दो है तो चालको, और तीन या तीन से ज़्यादा है तो चालक। कहा घट, घड़ा, पानी पीने के लिए घड़ा होता है ना, उसे तो घट घटौ घटाहा, मटका जिसको बोलते हैं, घट घटौ घटाहा। दीपक, दिया, शाम को करते हैं, सुबह भी भगवान के सामने दिया करते हैं, माँ सरस्वती के आगे भी हम दिया करते हैं, तो दीपक दीपकौ दीपकाहा। फिर घोड़ा, घोड़े को कहते हैं अश्व, घोड़े को क्या कहेंगे? अश्व, अश्व अश्वौ अश्वाहा। एक घोड़ा है तो अश्व, दो घोड़े हैं तो अश्वौ, और तीन या तीन से ज़्यादा घोड़े हैं तो अश्वाहा। फिर चंद्र, चंद्रमा की बात करें, वैसे चंद्रमा एक ही होता है, लेकिन ये तो हमारी जो पृथ्वी है उसका एक चंद्रमा है, बाकी दूसरे ग्रह उनके भी तो चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा अर्थात उपग्रह, ठीक है। तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, बाकी दूसरे जो ग्रह हैं उनके भी तो उपग्रह होते हैं, हमारे उपग्रह का नाम है चंद्रमा, तो उनके भी ऐसे चंद्रमा होते होंगे, तो चंद्र चंद्रौ चंद्रहा। फिर गायक, गायक मतलब गाने वाला, सिंगर, गायक यानी सिंगर, गाने वाला, गायक गायकौ गायकाहा, गायक गायकौ गायकाहा। गायक के बाद में आता है कृषक, कृषक का मतलब होता है किसान, कृषक का मतलब क्या होता है? किसान। कृषक कृषक कृषकौ कृषकाहा, कृषक कृषकौ कृषकाहा। वृषभ, वृषभ यानी बैल, वृषभ वृषभौ वृषभा, वृषभ वृषभौ वृषभा। भालू, आए दिनों हम सुनते हैं, और वैसे हमारा ये जो जसंतपुरा वाला क्षेत्र है उस पर भालू अभयारण्य बनाया गया है, तो भालू को कहते हैं भल्लूक। क्या कहते हैं? भल्लूक। तो भल्लूक भल्लूकौ भल्लूकाह। देखो सारे शब्द एक जैसे ही हैं, आप देखेंगे सारे शब्द जो हैं हमने अब तक जो पढ़े हैं, देख लो ये सारे सब के पीछे केवल विसर्ग लगाया हुआ है, ये जो शब्द हैं इन सब के पीछे केवल और केवल विसर्ग लगाने से एक वचन बना। ये केवल हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों की बात कर रहे हैं, आगे और शब्द अलग अलग आएंगे, लेकिन पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में एक एक पुल्लिंग अकारांत अकारांत और अकारांत ऐसे ही शब्द आएंगे। औ की मात्रा लगाने से, इसमें औ की मात्रा जोड़ दो, जैसे एक प्रकार से हम समझते हैं ये दीपक शब्द हैं, दीपक में अगर विसर्ग लगा दिया तो दीपक कह बना, अगर विसर्ग को हटा दिया और इसके स्थान पर औ की मात्रा जोड़ दी तो ये बना दीपको, और अगर पीछे आ की मात्रा लगा करके विसर्ग लगा दिया तो बना दीपक कहा। बस ऐसे ही पढ़ना है इसको। अब देखिए दीपक के बाद भल्लू कहा पढ़ लिया था, उसके बाद मेंढक, बारिश की ऋतु है, बहुत सारे मेंढक टर टर करके बोलते ही होंगे, तो मेंढक को क्या बोलते हैं? मंडूक। क्या बोलते हैं? मंडूक। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? एक मेंढक है तो मंडूक, दो है तो मंडूकौ, और तीन या तीन से ज़्यादा है तो मंडूकाह। कपोत, कपोत का मतलब होता है कबूतर, कपोत यानी कबूतर। हम छोटे थे, वैसे आज भी छोटे ही हो, बड़े तो नहीं हो, लेकिन उस समय खेलते थे ना, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, कबूतर उड़,
ठीक है, कभी कभार तो हम घोड़े को भी उड़ा देते थे, घोड़ा उड़, तो कबूतर, कबूतर को क्या कहेंगे, कपोत, कपोत यानी कबूतर, कपोत 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 कपोत। अब देखिए, पढ़ते समय आपको हमेशा कुर्सी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये मेरी पूर्ण जानकारी में है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पलंग पर बैठ करके पढ़ रहे होंगे, टेबल और चेयर पर बैठ करके पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पलंग पर बैठे होंगे। और पलंग को क्या कहते हैं संस्कृत में, पर्यंक, क्या कहते हैं, पर्यंक। एक पलंग है तो पर्यंक, आपके घर में कितने पलंग है, एक पलंग है तो पर्यंक, दो है तो पर्यंक, और तीन या तीन से ज़्यादा है तो पर्यंक। दूरभाष, टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन के लिए दूरभाष, दूरभाष, दूरभाष। पहले वाला फ़ोन जो घर पे ट्रिन ट्रिन रिंग बजती थी वो वाला। कौआ, काक, कौए को क्या कहते हैं, काक, काक, काकौ, काकहा, काक, एक कौआ, काकौ, दो कौए, काकहा, तीन या तीन से ज़्यादा कितने भी कौए। उसके बाद में सौचिक, सौचिक का मतलब होता है दर्जी, दर्जी, कपड़े सिलवाने कहा जाते हैं दर्जी के पास, सिले सिलाए लाओ तो बात अलग है, बाकी नॉर्मली कपड़े सिलवाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, दर्जी के पास, कपड़े सिलने वाला, ठीक है। तो दर्जी को कहते हैं संस्कृत में सौचिक, 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 सौचिका। उसके बाद प्यास लगी, प्यास लगने पर क्या करते हैं, पानी पीते हैं, पानी किससे पीते हैं, गिलास से, और गिलास जो है, गिलास, उसे संस्कृत में कहते हैं चषक, क्या कहेंगे, चषक, चषक का मतलब होता है गिलास, चषक, चषकौ, चषकहा, चषक, चषकौ, चषकहा। उसके बाद में आता है कुत्ता, कुत्ता, आपके गली में कुत्ते तो होंगे ही बहुत सारे, तो अगर गली में आपके एक कुत्ता है तो कुत्ते को कहते हैं शुनक, एक कुत्ता है तो शुनक, दो कुत्ते हैं तो शुनकौ, और तीन या तीन से ज़्यादा कुत्ते हैं तो क्या कहेंगे, शुनकः, शुनकः, शुनकौ, शुनकः। देखो ये शब्द जो है, इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आम बोलचाल की भाषा में भी काम में आते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे जो यूज़ में आते हैं नॉर्मल, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग अब हम संस्कृत में बोलना शुरू करेंगे। अब हमें कुत्ता कहना है ना, तो घर के बाहर अगर कोई कुत्ता खड़ा है तो कहेंगे घर वालों को, माता पिता को यही कहेंगे, मान लो आपको मम्मी ने पूछ लिया कि बाहर कौन है, और हमने देखा कि कोई कुत्ता मान लो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो हम मम्मी को कहेंगे शुनक, शुनक का मतलब क्या होता है, कुत्ता। मम्मी पूछेगी क्या होता है, तो कहेंगे कुत्ता है, ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। बलिवर्ध, बलिवर्ध का मतलब होता है बैल, बैल को पहले भी हमने क्या पढ़ा था, वृषभ, और बलिवर्ध का मतलब होता है बैल, बलिवर्ध, बलिवर्धौ, बलिवर्ध। उसके बाद आता है स्यूत, स्यूत का मतलब होता है थैला, बैग, स्कूल आते हो ना बैग लेकर के, या कहीं गांव जाते हो, वैसे अब तो जाना मत, कोरोना है, ठीक है, बहुत अत्यंत आवश्यक हो तो ही जाना। और बीच में आपको एक और बात बता दूं कि घर से बाहर तो निकलना ही नहीं है, अगर कोई विशेष कारण है और आप चले भी गए तो मुंह पर मास्क बांध करके जाना है, बिना मास्क के आप नहीं जाओगे, और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, लोगों से दूरी बनाए रखना है। चलिए, तो स्यूतः, स्यूत यानी थैला, बैग, स्यूत, स्यूत, स्यूत। और उसके बाद में बुढ़ा, बुढ़ा व्यक्ति, तो उसके लिए क्या प्रयोग शब्द है, वृद्ध, 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 वृद्ध। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवेलेबल करवा दूंगा, तो आपको ये पूरी टेबल ऐसी की ऐसी आपको उसी कॉपी में, उसके आगे पहले वाला जो वीडियो था उसके बाद में उसका होमवर्क कर लिया होगा, और उसके बाद में ये वाली वीडियो, आप ये वाली जो है बहुत अच्छी राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में, आपको इसी प्रकार से 5 भाग कर देने हैं और ऐसे ही ये पूरी टेबल बनानी है, जैसे कि PDF आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।